ये क्या है? क्या है ये? मेरे संदेश को मेरे आदेश में परिवर्तित कर दिया उसने। एक साधारण नारी की ऐसी उद्दंडता, वो भी सभी के इश्क मुझ महेश के साथ। दंड दूंगा इसका, अत्यंत कठोर दंड दूंगा उसे। सेनापति चिक्षोर, सचित करो अपनी सेना, आक्रमण करूंगा, नष्ट कर दूंगा उसका निवास, वध करूंगा उसका, वध करूंगा उसका, वध करूंगा उसका। महिषासुर की जय। महिषासुर की जय। महिषासुर की जय। मां, हम अपने उद्देश्य में सफल होने वाले हैं। महिषासुर आपसे युद्ध करने यहाँ आ रहे हैं। पुत्र, मुझे ज्ञात है और ये भी ज्ञात है कि इसीलिए तुम मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो। माँ, जगत जननी महाशक्ति हैं आप। संपूर्ण असुर सेना को पल भर में भी नष्ट कर सकती हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि शीघ्र आप इस अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर कैलाश लौट आए। किंतु पुत्र हूँ आपका माँ, इसलिए चिंतित भी हूँ। पुत्र, मेरे इस अवतार के लक्ष्य सिद्धि में तुमने एक बड़ी भूमिका निभाई है। हाँ माँ, किंतु मेरी भूमिका अभी समाप्त कहाँ हुई है? मुझे तो अभी बहुत कार्य करने हैं। कार्य? कैसे कार्य पुत्र? माँ, मैं सज्जनों एवं भक्तों के लिए विघ्न हरता हूँ तो दुष्टों और दुर्जनों के लिए विघ्न करता भी हूँ। तो मैं महिषासुर को आप तक निर्विघ्न कैसे पहुँचने दूंगा माँ? महाराज, आपके आदेश अनुसार हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार है। अधर्म का मार्ग है और प्रत्येक अधर्मियों के कार्य में विघ्नकर्ता बनता हूँ मैं। महाराज महिषासुर की जय। महाराज महिषासुर की जय। चक्रवात अकस्मात कैसे उत्पन्न हो गया? कैसी लीला है देवी? ये गणेश की चतुराई है। विघ्नहर्ता गणेश महिषासुर और उसकी सेना के लिए विघ्नकर्ता गणेश बन गए हैं। उनके मार्ग में बाधाएं दे रहे हैं, महिषासुर को ये अशुभ संकेत दे रहे हैं, ताकि महिषासुर को ये आभास हो जाए कि उसका विनाश निकट है और युद्ध के पूर्व ही उसकी सेना तन और मन से टूट के बिखर जाए। क्या
वर्षा, ये तो अत्यंत अशुभ संकेत है। शुभ अशुभ तो दुर्बलों का अस्त्र होता है। अपने शत्रुओं के लिए मुझसे बड़ा अशुभ और कोई नहीं। आगे बढ़ो सैनिकों! महिषासुर, अनेकों अवसर देने के बाद भी आपने उसका कोई लाभ नहीं लिया। आपके स्वप्न में भी आपको चेतावनी दी मैंने, किंतु आपने माँ से क्षमा नहीं मांगी। और अब भी आपके मार्ग को अशुभ संकेतों से भर दिया है मैंने, किंतु फिर भी आप स्वयं और अपनी सेना को विनाश के गर्त में धकेल रहे हैं। महिषासुर, आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप वास्तव में ही एक महिष हैं। सामान्य बात नहीं, कोई तो गुप्त रहस्य है इसके पीछे। तो इन भेड़ियों से भयभीत हो रहे हैं अश्व? बाधा विघ्न उत्पन्न कर रहे हो तुम बालक। समझ गया मैं, किंतु तुम्हारी माया धरी की धरी रह जाएगी। मैं हूँ ईश, महानतम महेश, मुझे कोई नहीं रोक सकता। शीघ्र सभी विघ्नों को मिटाकर उस दुष्ट कात्यायनी तक पहुंचूंगा मैं। तब मैं वही करूंगा जो अभी इन भेड़ियों के साथ करने वाला हूँ। Thank you.
कालिका देवी नमस्तुते, हे सर्वशक्ति नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, चामुंडा देवी नमस्तुते, मां शेरावाली नमस्तुते, हे मातृदेवी नमस्तुते, कालिका देवी नमस्तुते, हे सर्वशक्ति। तुम अब भाग नहीं सकते महिषासुर, तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है। कदाचित वैसा ही स्वप्न और ये स्त्री बिल्कुल वैसी ही है जो मुझे स्वप्न में दिखी थी। नहीं, कुछ नहीं हो सकता मुझे। सभी का ईश महिष हूं मैं। ऐसा अद्भुत है इसका सौंदर्य। मैं आया तो था यहां पर तुम्हारा जीवन हरने, किंतु जीवन दान दूंगा तुम्हें मैं। आओ आओ, करो मुझसे विवाह और अपने जीवन की रक्षा करो सुंदरी कात्यायनी। जगत जननी हूं मैं, तुम्हारी भी माँ हूं, और संतान माँ को कुदृष्टि से देखे ये तो पाप की पराकाष्ठा है, और ऐसे में उसका सर्वनाश निश्चित है। पत्नी नहीं, इस अपराध के दंड स्वरूप मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें, मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें, मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें। स्त्री का अपमान, माँ का अपमान करने वाला माता के हाथों द्वारा मारा जाता है महिषासुर। धर्म और ज्ञान को अपना कवच बनाना दुर्बलों का काम है, क्योंकि वो युद्ध में बलवान के समक्ष टिकने में समर्थ नहीं। माता पिता मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते। असुर हूँ मैं, अनुचित ही उचित है मेरे लिए। और तुम पर को दृष्टि डालना तो मेरी असुर प्रवृत्ति का परिणाम है सुंदरी कात्यायनी। इसलिए बंद करो अपना ये प्रवचन और चलो मेरे साथ, अन्यथा तुम्हारे केश पकड़ कर घसीटते हुए ले जाऊंगा तुम्हें यहां से। माँ हूँ मैं, अपनी संतान को सुधरने का अवसर देती हूँ, यही समझकर तुम्हारे सुधरने की धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करती रही, किंतु तुमने वो सभी अवसर गवा दिए हैं महिषासुर। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारा भयानक अंत उन सभी के लिए उदाहरण बनेगा जो स्त्री को पुरुष के पाव की धूल समझते हैं, स्त्री को उपभोग की वस्तु समझते हैं, विवाह के पावन धर्म को भंग कर पर स्त्री गमन करते हैं, जो सदैव स्त्री को कुदृष्टि से ही देखते हैं, उन सभी के लिए तुम्हारा भयावह अंत उदाहरण बनेगा कि स्त्री पुरुष से अधिक सबल समर्थ है और उसका सम्मान अनिवार्य है।
व्यर्थ व्यर्थ हो गया तुम्हारा ये सौंदर्य। यदि मेरा राजभवन तुमसे सज्जित होता तो बड़ा आनंद आता, किंतु खेद है मुझे, अब तो तुम्हारी मृत्यु ही समीप है। युद्ध प्रारंभ कराओ। युद्ध तुम और तुम्हारी सेना नहीं, मैं प्रारंभ करूंगी और उसका अंत भी मैं ही निश्चित करूंगी। चुका है देवगुरु और माँ ने अपनी धनुष की टंकार से महिषासुर की सेना को पीछे धकेल दिया है। चिक्षुर आक्रमण करो, घसीटते हुए लाओ उसे मेरे पास। महाराज महिषासुर की महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। उनके गण सिंह और शस्त्र मिलकर महिषासुर की सेना को नष्ट कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं तेरा धनुष तोड़ूंगा, फिर घसीटते हुए महाराज महिषासुर के समक्ष लेके जाऊंगा।
सेनापति चिक्षुर को बांधकर ऐसा खींचा है कि वो कदापि नहीं उठ पाएगा। किंतु पिताश्री क्यों नहीं आया अभी तक? युद्ध की समाप्ति के पश्चात माँ को कैलाश ले जाने के लिए पिताश्री को यहाँ अवश्य होना चाहिए था। भले ही तुमने चिक्षुर जैसे योद्धा का वध कर दिया, किंतु ये इस युद्ध की समाप्ति नहीं। अब मेरा सबसे शक्तिशाली योद्धा आएगा, जामर! जामर! स्वयं इतना विशाल काय है, अपने विशाल हाथी पर बैठकर यह असुर अत्यंत भयंकर प्रतीत हो रहा है। जाओ, उस दुष्ट नारी का अंत कर दो, अंत कर दो उसका। अवश्य महाराज। चुनौती देने वाली तुम्हारे इन हाथों को तुम्हारे शरीर से विलग कर दूंगा मैं। माँ
की चिंता हो रही है। मूषक जी, गणेश जी, ये आप कहाँ जा रहे हैं? मैं माँ की सहायता करूँगा देवराज, उन्हें अकेले असुरों से जूझते नहीं देख सकता मैं। रुक जाओ पुत्र। पिताश्री, पिताश्री, मुझे माँ की सहायता करनी ही होगी। तुम्हारी मातृभक्ति मैं समझता हूँ पुत्र, किंतु पुत्र तुम ये भी समझो कि नियति ने अभी निर्धारित कर दिया है कि दुष्ट महिषासुर का अंत एकाकी तुम्हारी माता के हाथों ही संभव है। उचित है पिताश्री। चुनौती देने वाली तुम्हारे इन हाथों को तुम्हारे शरीर से विलग कर दूंगा मैं। मेरी सेना मिटती जा रही है, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ, मुझे ही कुछ करना होगा। ए स्त्री, तुम्हारे लिए मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं। मैं महेश अकेला ही सेना के समान हूं। महिषासुर माता कात्यायनी को छोड़कर किस ओर बढ़ रहा है? माँ की सेह की ओर। वो माँ के सबसे बड़े सहायक को युद्ध से बाहर करना चाहता है। सर्वप्रथम तुम्हारा वध करूंगा, फिर तुम्हारी स्वामिनी का। शेष नहीं रहेगा। Thank you.
अंत तो मैं करके ही रहूंगा। माँ की सेह तक नहीं पहुँच सकता क्योंकि माँ अपनी ऊर्जा के कवच से उनकी रक्षा कर रही है। अज्ञानी, तुम अपने सिंह और गणों को अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रख सकोगी क्योंकि उसके लिए तुम्हें स्वयं जीवित रहना होगा और वो मैं अब होने नहीं दूंगा। महानतम महिषासुर अब शीघ्र तुम्हारा अंत करेगा। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनी कैटभ भंजिनी रास रते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनी कैटभ भंजिनी रास रते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी नहीं नहीं जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। एक स्त्री मेरा अंत करे ये नहीं हो सकता। से बढ़कर कौन है माँ निर्बल को बल देती तू। माँ तुझसे बढ़कर कौन है माँ निर्बल को बल देती तू। जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली। विंध्याचल जाकर मेरा प्रस्ताव दो उस कात्यायनी को। कहो उसे कि सर्वशक्तिमान महिषासुर उससे विवाह करना चाहते हैं। Oh!
देवी कात्यायनी का क्रोध तो महिषासुर के वध के बाद भी शांत नहीं हो रहा है। सृष्टि के कल्याण के लिए इनका शांत होना अत्यावश्यक है। ऐ गिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिमुते गिरिवर बिंदु शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुमुते ऐ गिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिमुते गिरिवर बिंदु शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुमुते भगवती हेशति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते भगवती हेशति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किन्विष मोषिणि घोषरते सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किन्विष मोषिणि घोषरते तनुज निरोषिणि दिति सुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते तनुज निरोषिणि दिति सुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनि हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमलय श्रृंग निजालय मध्य गते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनि हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमलय श्रृंग निजालय मध्य गते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनि कैटभ भंजिनि रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनि कैटभ भंजिनि रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते अहंकार और अधर्म व्यक्ति के विनाश का कारण बनते हैं। के क्रोध को शांत करने का कोई उपाय करना होगा मुझे। जगदम्बे जगजननी सिंह आरुढ़ा जय माँ जय जय माँ उमा स्वरूपा संकट घड़ी सदा आप ही टाले जग जननी जग को संकट में न डाले महिषासुर वध था कात्यायनी लक्ष्य शांत हो माँ हुआ पूर्ण उद्देश्य क्रोध तजो माता शस्त्र रखो सब ममता मई मूल रूप धरो अब विनती सुनो माता छोड़ो आवेशा
कर बद्ध करता निवेदन गणेशा। जगदम्बे जग जननी सिंह आरुढ़ा, जय माँ जय जय माँ उमा स्वरूपा। छोटे छोटे हाथ पांव लंबोदर देवा, प्यारी सी मुस्कान अति सुंदर देवा। बालक भगवान को रिझाती माता। आप हमें छोड़कर चली गई थी माँ, तो मैं बहुत अकेला पड़ गया था। पुत्र, तुम्हें अनुमान भी नहीं, तुमसे दूर रहना और तुम्हें अपने से दूर भेजना मेरे लिए कितना कठिन था, कितना कठोर करना पड़ा था मुझे अपने हृदय को। जब मेरे बालिक का रूप में तुम मुझसे भेंट करने आए थे, मैं तो कब से इस पल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ माँ, कि कब आपका उद्देश्य पूर्ण हो और कब आप पुनः हमारे पास लौट आए। देखिए ना माँ, वो समय आ ही गया, आप पुनः अपने मूल रूप में आ गई। माँ, श्री गणेश जय प्रथम देवा, श्री गणेश जय विघ्न हरता, श्री गणेश जय गणेश जय गणेश जय। अब आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा माँ। लौट आई मेरी माँ, मेरी माँ लौट आई। अब सब उचित है, माँ ने देवी कात्यायनी के अवतार का प्रयोजन पूर्ण किया, पिताश्री भी यही हैं। अब हमारा परिवार पुनः एक साथ होगा, हम सब पुनः सुखी होंगे। आपको ज्ञात है माँ, एकमात्र मैं ही आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, पिताश्री भी पल पल आप ही का स्मरण करते रहते थे। आप स्वयं भी तो कुछ कहिए पिताश्री, बताइए ना माँ को कि आप भी उनसे वियोग नहीं सह पा रहे थे। महादेव, आइए ना पिताश्री, आइए। उमा, मैं पुत्र टल गया धर्म का महासंकट, सुरक्षित हुई धर्म की स्थापना, मेरे इस अवतार का उद्देश्य पूर्ण हुआ, अर्थात अब सब कुशल। पिताश्री से माँ ने मुख मोड़ लिया। पुत्र गणेश, सब कुशल है ना, बताओ मुझे, उचित है ना सब। तन से उसका स्वास्थ्य विलग हो जाए तो वो जीवन शून्य हो जाता है माँ, कैलाश भी आपके बिना शून्य है, सब कुशल कहाँ है माँ। आपके कैलाश में रहने से ही हम सब कुशल हैं। पुत्र, मैं भी ऐसा ही सोचती थी, किंतु मिथ्या है ये, तुम्हारे पिताश्री से अभिन्न उनकी शक्ति, किंतु मेरा ये भ्रम टूट चुका। मिथ्या है ये, भ्रम है, कैसे माँ। हाँ पुत्र,
महादेव ने मुझे कैलाश से दूर भेजा तो क्या हुआ? उनकी शक्ति उनसे विलग हुई, किंतु सृष्टि तो अपने लय पर स्थिर रही ना। प्रभाव तो मुझ पर पड़ा है। कैलाश से दूर अपनी अस्थिरता के क्षणों में तुमने ही आकर मुझे स्थिर रहने का धीरज बंधाया। माँ, मैं वचन देता हूँ, इस कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व ही मैं पिताश्री को लेकर यहाँ आपके पास लौटाऊंगा। किंतु कैलाश निवासियों का क्या? मैं यहाँ रहूं अथवा नहीं, उन्हें उससे क्या? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। पिताश्री, कदाचित माँ आपके ही मुख से सुनना चाहती हैं कि कैलाश की ऊर्जा उनसे ही है। उमा, ज्ञात है मुझे मुझसे क्रोधित हो तुम। क्रोध? और मैं? एक दोषी को इतना अधिकार कहाँ है महादेव? मैं तो मात्र अपने दोष का दंड भुगतने योग्य हूँ। उमा, क्रोध में व्यक्ति के भीतर ऐसे ही विचार उत्पन्न होते हैं। एक बड़ी भूल की थी तुमने, जिसका सर्वनाशी परिणाम था अंधकारी अंधकासुर का जन्म। महाशक्ति हो तुम, जगत जननी हो तुम, सत्य है। तुमने अपनी भूल का प्रायश्चित किया है, किंतु क्रोध मर्यादा का उल्लंघन करवाता है। किंतु भूल स्वीकार कर उसे सुधारने वाला महान कहलाता है। मैंने भी तुम्हारे बिना हर पल हर क्षण उतनी ही पीड़ा सहन की है। अब हमें वो सब कुछ भूलकर भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। हाँ माँ, यही उचित रहेगा। उचित है महादेव, किंतु मेरे मन में एक प्रश्न घुमड़ रहा है। जगत पिता क्या मर्यादा से परे है? आप अपनी भूल कब स्वीकारेंगे महादेव? माँ, ये क्या कह रही हैं आप? पिताश्री की किस भूल की बात कर रही हैं? बताइए महादेव, आपका पुत्र आपसे कुछ पूछ रहा है, उत्तर दीजिए। शांत करिए उसकी जिज्ञासा को। बताइए उसे कि आज यहाँ जो विनाश हुआ है, कौन है उसका कारण? महिषासुर। वो महिषासुर जो आपके वरदान के फल स्वरूप जन्मा था। तुम्हारा पुत्र अति शक्तिशाली होगा। यदि तुम्हारा पुत्र प्रयास करेगा तो अपने लिए अमृत तुम्हें वरदान प्राप्त कर सकेगा। अंत कसुर मेरी भूल का परिणाम है, पर महिषासुर प्रभु। देवी पार्वती, ब्रह्मदेव, भूल दोष परिणाम विनाश मर्यादा, इन सभी की बातें आज हो जाने दीजिए। भूल नहीं उमा, वरदान का परिणाम था महिषासुर। महिषासुर के पिता रंभ का उद्देश्य तो आपको ज्ञात था, फिर वो इस वरदान का अधिकारी कैसे बना? अंत का सुर भविष्य अंधकारमय बना सकता है, किंतु महिषासुर ने जो किया उसका उत्तरदायित्व कौन उठाएगा? यदि आज उसे यहाँ नहीं रोका जाता तो वो सर्वनाश का कारण भी बन सकता था महादेव। एक भूल के लिए दंड और प्रायश्चित, और दूसरे के लिए क्षमा। तो क्या अब आप भी कैलाश का त्याग करेंगे महादेव? चिंतित मत हो पुत्र, मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगी। स्वामी, आपको कैलाश को छोड़कर जाने की या अपनी भूल का प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि
कि मैं स्वयं कैलाश से दूर जाकर आपकी भी भूल का प्रायश्चित करूंगी। उमा, उमा, उमा। नहीं माँ, अब आपसे हम दूर नहीं रह सकेंगे। पुत्र, मुझे कठोर होकर यहाँ से दूर जाना ही होगा। नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए माँ, रुक जाइए माँ। माँ को रोक लीजिए पिताश्री। फूफा जी, रोकिए ना माँ को। मामा जी, रोक लीजिए ना माँ को। ये तुम्हारा कैसा हट है उमा? मैं तो तुम्हारा साथ पाना चाहता था, किंतु तुम्हें नहीं लौटना चाहता। दर्शन दीजिए महादेव, दर्शन दीजिए महादेव। दर्शन दीजिए महादेव, महादेव जी दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए महादेव, महादेव दर्शन दीजिए। पिताश्री कुछ कीजिए ना पिताश्री, माँ को लौटा लीजिए। तुम्हारी माँ अपना निर्णय ले चुकी है पुत्र, अब हमें भी अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए अपने निवास लौटना होगा। पिताश्री, पुत्र। मामा जी ये सब कैसे हो गया? माँ और पिताश्री दोनों चले गए। तुम्हारे पिताश्री एक भक्त को दर्शन देने गए हैं, क्योंकि दुख में भी कर्तव्यों को नहीं भूला जा सकता। और तुम्हारी माता? मामा जी माँ क्यों चली गई? क्यों हो रहा है ये सब? कुछ भी अकारण नहीं है गणेश, इसके पीछे भी कोई बड़ा उद्देश्य है। किंतु ये सत्य है कि महादेव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और ये भी सत्य है कि हम सभी उन दोनों के बिना अधूरे हैं। इस कठिन परिस्थिति में तुम्हें अपने माता पिता दोनों का ध्यान रखना होगा। मुझे ज्ञात है कि पिताश्री बहुत दुखी हैं, किंतु इस निर्णय से तो माँ को भी अपार दुख हुआ होगा। असुरों देवताओं के मध्य न्याय और अन्याय का भेद जिस उपाय से मिट सकता है? मैं असुरों को अमृत नहीं दे सकता, किंतु मृत संजीवनी प्रदान कर सकता। ये क्या अनर्थ कर दिया महादेव ने?
जगत पिता क्या मर्यादा से परे है? आप अपनी भूल कब स्वीकारेंगे महादेव? मैंने भी तुम्हारे बिना हर पल हर क्षण उतनी ही पीड़ा सहन की है। अंत का सुर भविष्य अंधकारमय बना सकता है, किंतु महिषासुर ने जो किया उसका उत्तरदायित्व कौन उठाएगा? तो क्या अब आप भी कैलाश का त्याग करेंगे महादेव? ये क्या कर बैठी मैं? नदी की धारा तट को धुतकाते, वृक्ष में जीवन संचार करने वाली उसकी जड़ उसका आहत करते। स्वामी, आप तो मेरे सर्वस्व हैं, आप से दूर में कैसे रहूंगी? स्वामी, स्वामी, स्वामी! महादेव जी दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए महादेव, दर्शन दीजिए महादेव। महादेव, स्वीकार कीजिए मेरी विनती प्रभु, मुझे असुर गुरु पद से मुक्त होने की अनुमति दीजिए, अन्यथा मैं अभी इसी क्षण इस जल से संकल्प कर इस पद का परित्याग करना चाहता हूं। शुक्राचार्य, माँ, माँ, माँ। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघ्न हरता। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, गोद में आए विघ्न हरता। शुक्राचार्य, असुर गुरु के पद पर मैंने तुम्हें स्थापित किया था, तुम उससे विचार किए बिना उस पद का परित्याग करने का निर्णय कैसे लिया तुमने? विचार कैसा प्रभु, स्थिति स्पष्ट है, देवताओं को अमृत प्राप्त है, मेरे असुरों को क्या, वो तो कभी भी विजय का मुख नहीं देख पाएंगे। तो क्या लाभ है असुर गुरु होने का, जब उनकी मैं कोई सहायता ही नहीं कर सकता। उन्हें पराजित होते देखना ही मेरी नियति है। किंतु किसी भी परिस्थिति में पद का परित्याग करना कायरता है भृगुपुत्र। हाँ प्रभु, किंतु पद पर रहकर उसका दायित्व नहीं निभा पाना तो और भी पीड़ादायक होता है ना, इसलिए असुरों के साथ न्याय कर उन्हें भी अमृत प्रदान कीजिए, अन्यथा आप मुझे इस पद से मुक्त कीजिए प्रभु। शुक्राचार्य, मैं तुम्हें अमृत तो नहीं दे सकता। उचित है प्रभु, किंतु किसी के साथ अन्याय भी नहीं होने दे सकता। महादेव, असुरों और देवताओं के मध्य न्याय और अन्याय का भेद जिस उपाय से मिट सकता है आप अस्वीकार कर चुके हैं। मैं असुरों को अमृत नहीं दे सकता, किंतु देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए अमृत तुल्य विद्या मृत संजीवनी प्रदान कर सकता हूं। ये क्या अनर्थ कर दिया महादेव ने? इस विद्या से तुम मृत असुरों को पुनः जीवित कर सकोगे। मैं धन्य हुआ भोलेनाथ, समस्त दैत्य असुर राक्षस कृतार्थ होंगे आपके इस न्याय से। किंतु स्मरण रहे शुक्राचार्य, मृत संजीवनी विद्या का उपयोग मात्र धर्म और न्याय के लिए ही होना चाहिए। आप और पिताश्री तो एक दूसरे से पूर्ण होते हैं माँ, तो एक दूसरे से विलग होकर कैसे रह सकते हैं? चलिए माँ, लौट चलिए कैलाश। खड़क का प्रहार सहा जा सकता है, किंतु अपनों के तीक्ष्ण शब्दों की धार किसी भी खड़क से कहीं गहरा घाव करती है। जो तीक्ष्ण शब्दों का प्रहार मैंने तुम्हारे पिताश्री पर किया है, वही अनेकों गुना होकर मुझे सता रहे हैं। अब जो करना है मुझे ही करना होगा।
इसीलिए तुम जाओ पुत्र, तुम्हारे पिताश्री को तुम्हारी आवश्यकता है, तुम जाओ पुत्र। माँ मत जाइए, माँ माँ रुक जाइए, माँ मत जाइए, माँ रुक जाइए, माँ रुक जाइए, माँ रुक जाइए। देवताओं को पराजित करने का यही उचित समय है जब अपनी शक्ति से वंचित है महादेव, और मृत संजीवनी विद्या की शक्ति है मेरे पास, किंतु एक योग्य अर्थात प्रचंड असुर ही सिद्ध कर सकता है मेरा मनोरथ। वो बलशाली असुर योद्धा कौन है? अंधकासुर। वो असुर जो अकेला ही देवताओं को पराजित कर सके। व्यक्ति को परिस्थितियों का दास नहीं बनना चाहिए, अपितु परिस्थितियों को अपना दास बनाना चाहिए, साथ ही धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए।